कल वेव थ्योरी के बेस पर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया था, याद है आप लोगों? बहुत अच्छे। तो आज की क्लास में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि हमें दोनों कॉन्सेप्ट को वेव थ्योरी के बेस पर सबसे पहले प्रूव कर लेना, उसके बाद बाकी सारे फिनोमेनास पढ़ेंगे। तो इसका मतलब एक ऑलरेडी रिफ्लेक्शन ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और रिफ्रैक्शन बाकी है। तो एडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक। देखिएगा ध्यान से, रिफ्रैक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? दो अलग अलग मीडियम चाहिए होते हैं। तो मान लीजिए कि एक मीडियम मेरे पास ऊपर एयर है और नीचे कोई एक डेंसर मीडियम है, ऊपर एयर है और नीचे कोई एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट को मैंने ला करके इंसिडेंट करा दिया, जैसे कल कराया था। एक प्लेन वेव फ्रंट आया ऐसे, बार बार कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है और वो यहां पर जब टकराएगा, भाई क्या हो रहा है, ठीक है, देखो सुनो, ये वेव फ्रंट कहीं से आ रहा है लेकिन ये वेव फ्रंट का सामने का हिस्सा है। जैसे कल इंसिडेंट करवाया था मिरर पर, वैसे ही आज इंसिडेंट कराया कहां पर? एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम के ऊपर। ये जो वेव फ्रंट आ रहा है इसकी ये क्या है? वेव नॉर्मल्स। क्या है ये? वेव नॉर्मल, क्लियर है। यहां पर जहां ये टकराया, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट वेव फ्रंट जो एंगल बनाएगा उसको क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कल भी हमने इसके नाम कुछ ऐसे लिए थे, इस वाली रे का नाम लिया था एल, इस वाली रे का नाम लिया था एम, ऐसा कुछ लिया था ना, ओके, ये एम था और ये आर था, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब ये देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले कौन सी वाली रे टकराएगी? एल वाली, ठीक है। अब जब ये यहां पे टकराएगी तो टकराने के बाद कहां इंटर कर जाएगी? अंदर, जाहिर सी बात है, मतलब इस डेंसर मीडियम में चली जाएगी। और वहां जाने के बाद हमने पढ़ा है कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब ये ऐसे यहां पर बेंड हो जाएगा, ठीक है ना, बोले बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे हाँ, ऐसे क्यों, मतलब क्यों नहीं भाई, जाना चाहिए था इसको ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, बैंड हो जाएगी ऐसे, नहीं समझे? तो ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक लाइट रे जो कि ये बीच वाली होगी, वो यहां आकर के इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर, जहां ये इंसिडेंट होगी उसको फिर से क्या कर देंगे हम लोग? वेव नॉर्मल, मतलब एक वेव नॉर्मल यहां के टकराएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर। एक वेव नॉर्मल यहां टकराएगा, यहां टकराने के बाद ये वेव नॉर्मल फिर से क्या हो जाएगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां लिख दे रहा हूं डेंसर, देखिएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखो यार, ठीक है। अब ये जो है ना, ये सीधे ऐसे जा रही है रे, ठीक है, ये देखो, जिसने समय में, जितने समय में ये वाला वेव फ्रंट यानी ये वाला पॉइंट यहां से यहां पहुंचेगा, उतने ही समय में, या ये कह लो जितने समय में यहां से यहां पहुंचेगा उतने समय में ये यहां से यहां कहीं पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये जो तुम्हें नीचे की तरफ दिख रहा है ये वाला, अब ध्यान दीजिएगा, ये जिसको मैं ऐसे थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, ये कहलाएगा हमारा क्या? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये क्लियर है। ये तो हो गया आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये वाला हो गया आपका क्या? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझे? पक्का? बहुत अच्छा। इसका नाम क्या रख दिया? एन एन डैश, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दिया था कल भी? ए। इस पॉइंट को क्या नाम दिया था? के। इस पॉइंट को एस था ये? ओके चलो, इस पॉइंट को एस नाम दिया था, इस पॉइंट को क्या नाम दिया था? पी। इसको क्या नाम दिया था? पी डैश। समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे। अब देखो भाई, भाई बस बातें ना करो, अब बार बार कह रहा हूं, इतना तो मुझे लगता है डायग्राम देखकर समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनाया है मैंने डायग्राम, ठीक है। ये एंगल आई है, ये कितना है? 90। तो ये कितना होगा?
90 माइनस आई, तो ये कितना होगा? आई हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? सर ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो 90 माइनस आर। छोड़ो उसको भी, उसको भी छोड़ दो, यहाँ आओ। ये बताओ ये कितना है? आर है। बोलो ये कितना होगा? 90 माइनस आर, तो ये कितना होगा? आर। नहीं समझे? ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्रेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना हो गया? आई। रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट, ये बार बार कह रहा हूं, ये वाला जो वेव फ्रंट है ये रिफ्रेक्टेड है, रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट, समझ गए ना? और वो है ऊपर वाला, ये क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या आप जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो हैं, टॉपिक का नाम डाला है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसका मतलब यह है कि हम ये चाहते हैं कि हम वेव थ्योरी के बेस पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? दो ही हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन। यहां पर हमें बोलना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। वो तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा क्योंकि सब कुछ प्लेन में बन रहा है। क्लियर? दूसरी बात, वहां पर सेकंड लॉ होता है स्नेल्स लॉ के नाम से, कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्लियर है ना? तो इसका मतलब यहां हमें प्रूफ करना होगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू कांस्टेंट। ये अगर प्रूफ हो गया तो समझिए काम बन गया। मुझे पूरी उम्मीद है जितनी बात मैंने आपको बताई है उतनी आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब मुझे बताओ पी से पी डैश और ए से ए डैश आज सेम क्यों नहीं है? कल तो ये दोनों सेम थे यार, ए से ए डैश और पी से पी डैश कल तो सेम थे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कारण क्योंकि बच्चे ये वाला पार्टिकल ना, या ये वाली, ये वाला वेव नॉर्मल जैसे ही टकराया सरफेस से तुरंत किसके अंदर मूव कर गया? मीडियम के, डेंसर मीडियम के, और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर वेलोसिटी कम हो गई तो टाइम तो सेम लगा दोनों को, जितना टाइम इसे यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा उतना ही टाइम इसे यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा। टाइम दोनों का सेम है लेकिन चूंकि यहां की स्पीड कम है तो दूरी कम तय की होगी। बोलो बात समझ में आ रही नहीं? और सर एयर में ये वाला पार्टिकल अभी पी से पी डैश तक जाएगा, एयर में ही रहेगा, तो एयर में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है तो उतने ही टाइम में ज्यादा दूरी तय करेगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो ये देखो आपको पी पी डैश और ए डैश अब की बार सेम नहीं है। हम कह सकते हैं पी पी डैश इज नॉट इक्वल टू ए ए डैश, कल था लेकिन ये इक्वल, बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना? याद करो कल था ना इक्वल, ठीक है? दोनों एयर में ही थे इसलिए। ठीक, अब क्या करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ध्यान लगाइए, ठीक है ना? जल्दी बना लो भाई, एक बार डायग्राम बना लो तो फिर बताऊं। देखो अब हम कह सकते हैं साफ साफ, देखिए व्हेन ए मूव टू ए डैश देन पी मूव टू पी डैश, पी कहां मूव कर जाता है? पी डैश पर, ठीक है ना? इन टाइम टी ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज सी एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, भाई बात ना करो ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज वी, डेंसर मीडियम इज वी, क्या कहेंगे बताओ? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ये रहा 90 डिग्री, क्लियर है ना? ये एंगल 90 डिग्री और उसके सामने की साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज, क्लियर है? एंगल के सामने की साइड क्या होती है? एंगल के सामने की साइड, जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज और एंगल से सटी हुई साइड बेस, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। तो इन ट्राइंगल ए पी पी डैश
ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल एपीपी डैश दिख रहा है, ट्राइंगल एपीपी डैश दिख रहा है सबको? बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा यहां पर, साइन आई इज इक्वल टू ए पी पी डैश में देखिए ध्यान से, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज कितना हो जाएगा ए पी डैश, सॉरी पी पी डैश अपॉन पी पी डैश अपॉन ए पी डैश, बोलो गुड आउट, तो क्लियर है, इज इक्वल टू, अच्छा नहीं छोड़ दो अभी, क्लियर है ना अभी, बल्कि मैं ये भी कर सकता था, एक मिनट जाओ इसको मां करूंगा, देखो भाई आप में से कोई मुझे बताएगा पीपी डैश कितने के इक्वल हो जाएगा, पीपी डैश इज इक्वल टू सी इनटू टी, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, सी इनटू टी, और ए ए डैश कितना हो जाएगा वी इनटू टी, मतलब वी टी, क्लियर है, बहुत अच्छे, अब क्या कहेंगे, चलो यहां करवा देता हूं, इन ट्राइंगल ए पी पी डैश बोलो साइन आई इज इक्वल टू, भाई ध्यान दो ना बच्चों, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सर पी पी डैश अपॉन ए पी डैश, क्लियर है, बहुत अच्छे, फिर इसी तरह इन ट्राइंगल ए ए डैश पी डैश, ए ए डैश पी डैश दिख रहा है क्या, ए ए डैश पी डैश दिख रहा है ट्राइंगल, अगर इसको एंगल लूं तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, उसके 90 के सामने की साइड, अब 90 के सामने ये भी है, 90 के सामने ये भी है, बोलो बात समझ आ रही नहीं, इसका मतलब इन ट्राइंगल दिस साइन आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो हमारा यहाँ साइन आर है, ये वाला सॉरी, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब कितना ए ए डैश अपॉन ए पी डैश, बोलो गुड आउट, तो ये हो गई इक्वेशन वन, ये हो गई इक्वेशन टू, नहीं बच्चे ए डैश पी डैश नहीं ए पी डैश ही होगा, नहीं समझे, साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, समझ गए पक्का, डिवाइड इक्वेशन वन बाई टू, ये सब तो आप जानते होंगे रिफ्रैक्टिव इनफिनिट है, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे डिवाइड इक्वेशन वन बाई टू, इसको किससे डिवाइड कर दिया टू से, बोलो क्या आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, बोलो ना भाई साइन आई, बोलो ना पी पी डैश अपॉन ए पी डैश अपॉन में ए ए डैश अपॉन ए पी डैश से ए पी डैश कैंसिल, क्या बच गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू पी पी डैश अपॉन ए ए डैश पी पी डैश अपॉन ए ए डैश, यहां पे कर दूं क्या नीचे, यहां देखो क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन, चलो यहीं लिख देते ना अभी एक बार, साइन आई अपॉन साइन आर, बोलो पी पी डैश कितने के इक्वल, पी पी डैश कितने के इक्वल, ये रहा सी टी, और ए ए डैश कितने के इक्वल वी टी, सी टी अपॉन वी टी, सी टी अपॉन वी टी, टी से टी कैंसिल, सी अपॉन वी, व्हाट डू यू मीन बाय सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, क्लियर, क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, क्लियर है ना, बहुत अच्छे, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, यही चाहिए था, ठीक है ना, नोट करिए जल्दी से, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, साइड में चाहो तो लिख भी देना, चूंकि सी अपॉन वी बराबर क्या होता है म्यू होता है, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, क्लियर, नोट डाउन करिए जल्दी से, लिखे दिस एक्सप्रेशन शोज दैट यहां के बाद लिखिएगा दिस एक्सप्रेशन शोज दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस This expression shows that when a ray of light is incident on a refracting surface, कल था reflecting surface, आज है refracting surface. कॉमा लगाइए. The ratio of sine of angle of incidence to the रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एस आई एन ई वाला साइन. देखो दिस एक्सप्रेशन शोज दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस देन द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. ठीक है ना. विच इज स्नेल्स लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. इसका मतलब वेव थ्योरी के बेस पर रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ प्रूफ हो गया. ठीक है ना. विच इज स्नेल्स लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. हो गया यहाँ तक. बहुत अच्छे. अगला नंबर देखिए. एंगल क्या लिखा. हाँ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके बहुत अच्छे. एंड इट फॉलोज दैट द इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. क्लियर है. तो इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इससे प्रूफ हो गए हैं. कल से लेकर अब तक की क्लास में वेव फ्रंट कैसे कहते हैं, वेव फ्रंट के टाइप क्या क्या होते हैं. नहीं कहीं जाना वाना नहीं है ना. वेव फ्रंट के टाइप क्या क्या होते हैं और हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, उस हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसको प्रूफ कर दिया. ये मान के चलिए इतने में से कम बता रहा हूं आपको 4 या 5 नंबर आपके पक्के हैं बोर्ड में, जो हमने कल से लेके केवल अब तक पढ़ा. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूं, पेपर में यहीं से आ रही हैं चीजें. आप पिछले सालों के उठा के पेपर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर हमारे हिसाब से, हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से नया चैप्टर नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से नया चैप्टर है, नया टॉपिक है. हेडिंग डालिए इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. हाँ जी बच्चे, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. थोड़ी देर और रुक जाओ बस, मुश्किल से 10 मिनट. इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, जाना चाहो जा सकती हो. इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. ओके. हेडिंग चैप्टर का नाम क्या है, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना है. चीजें थ्योरेटिकल है, चाहिए एकदम से. अगला टॉपिक क्यों शुरू हो गया, क्योंकि इस बीच में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एक वर्ड का भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं है. मिस चक्कर खत्म. न्यूमेरिकल होता तो एक दो क्लास और खींच जाती, ठीक है ना, लेकिन अब न्यूमेरिकल नहीं है तो आगे बढ़िए बस. इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, क्या है. पहले बेसिक सा फिनोमेना समझ लो. इंटरफियरेंस ऑफ लाइट का मतलब जब किसी एक ही मीडियम में या एक जगह पर दो से ज्यादा लाइट सोर्स इल्यूमिनेट हो रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, दो से ज्यादा लाइट सोर्सेज, तो वो दो लाइट सोर्सेज से निकलने वाली लाइट वेव्स जब एक दूसरे के अंदर घुसने लगती हैं, एक दूसरे में इंटरफियर करने लगती हैं, उस फिनोमिना को ही क्या कहा जाता है, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. ऐसे समझिए जैसे मैंने अभी आमने सामने दो लाइट लगाई है, समझ में आ रही बात ना. इन दोनों लाइट्स की एक से निकलने, उस सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव्स और उस सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव्स, इसके बीच में ये जो हमारे पास मीडियम है, ये जो हिस्सा है, इस बीच में क्या करती हैं, इंटरफियर करती हैं. क्लियर है. और उस इंटरफियरेंस से क्या होता है, फ्रिंजेस बनती हैं. क्या बनती हैं, फ्रिंजेस. अभी सब बताएंगे, ठीक है ना, सब बताऊंगा, A to Z, घबराइए नहीं. होता क्या है, बार बार फिर कह रहा हूं, जब इससे निकलने वाली वेव्स, पहली बात तो हम ये मान चुके हैं इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद, हाइगेंस के प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद, हम ये मान चुके हैं कि लाइट जो है वो एक सोर्स से जब निकलती है और कहीं जाती है तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है. और जब वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो सवाल उठा, कौन सी वेव. दो टाइप की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो सर कौन सी वाली वेव, तो कहा ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव मतलब इस टाइप की वेव, मतलब ये इस तरह की वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है. और जब ये वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं
तो अगर दो वेव अलग अलग आ रही हो, दो अलग अलग सोर्स से निकलने वाली वेव्स आपस में एक दूसरे से टकरा रही हो, तो उन इसी टकराहट को, उनका एक दूसरे को इंपैक्ट करना, एक दूसरे के अंदर चेंजेस लाना, यही क्या कहलाता है? इंटरफियरेंस। भाई जैसे हम कहते हैं ना, भाई क्यों इंटरफेयर कर रहे हो तुम उसके मामले में, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, मतलब इंटरफेयर का मतलब इसकी लाइट उसके मामले में, उसकी लाइट इसके मामले में इंटरफियर करने लग जाए, तो इस तरह के फिनोमेना को ही क्या कहा जाता है? इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफियरेंस ऑफ लाइट से होता क्या है, बार बार कह रहा हूं, देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है अगली थ्योरी के लिए, ठीक है? तो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेव्स को जाते हुए देखते हैं, तो मान लीजिए कि दो वेव्स किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर सेम फेज में आ जाएं, इस तरह की वेव्स को कहा जाता है सेम फेज, वेव्स इन सेम फेज, ये दोनों वेव्स सेम फेज में हैं। जब ये सेम फेज में होंगी तो इनका ये इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड जब आपस में, जब ये एक फेज में आ रही होंगी, तो यहां पर इन दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा और इनके द्वारा एक बड़ी वेव जनरेट होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब ये अगर एक दूसरे के साथ ऐसे सुपर इम्पोज करें कि दोनों सेम फेज में हों, ठीक है? सेम फेज में होने का मतलब जब इसका मैक्सिमम मिल रहा हो तो उसका भी मैक्सिमम मिल रहा हो, जब इसका मिनिमम मिल रहा हो तो उसका भी मिनिमम मिल रहा हो, ठीक है? तो ऐसे में जब एक दूसरे को इंटरफियर करेंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मीन्स लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव्स। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव्स? इस लाइट वेव की है मीन पोजीशन, इस मीन के ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के बढ़ जाने से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे चल के हम ये प्रूफ भी करेंगे कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, समझे ना? तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। क्लियर? तो इसका मतलब जब दो वेव सेम फेज में आकर के एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करेंगी या एक दूसरे के साथ एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगी, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? अगर दो वेव्स एक दूसरे के साथ अपोजिट फेज में आकर, मान लीजिए कि इसी के साथ